सरी आप क्या कर रहे हैं आज? कुछ नहीं, दिवाली में नीरज सर अपने घर में झालर लगा रहे थे तो पता चला जला ही नहीं, ले गए बनवाने के लिए। दुकानदार बोला 100 रुपए लेंगे, झालर मिल जाएगा 200 में। तो नीरज सर को फोन लगाए, बोले ऐसी ऐसी बात है, हमने कहा ले आइए देखते हैं क्या समस्या है। वैसे कुछ भी जनरली जब ना काम करे ना, मतलब हिलेट और रिस्पॉन्स ही ना करे, तो मैक्सिमम टाइम इसमें लोचा होता है पावर सप्लाई का, और कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें एक छोटी सी आईसी लगी हुई है, थोड़ा कैमरा मैन जूम करो, फोकस करो। तो ये जो आईसी छोटी सी दिख रही है ना, ये एक रेक्टिफायर आईसी है। हालांकि इसमें अंदर 4 डायोड को मिला करके एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया होगा और कुछ नहीं इसमें, मतलब मेरा गेस यही होना ही चाहिए, क्योंकि एलईडी चलती है डीसी करंट पे, घर में आता है एसी करंट। टोटल इसमें मैंने गिना तो 70 LED के आसपास था, एक LED लगभग 3 वोल्ट के आसपास होती है, तो 7×21 220 वोल्ट डीसी सप्लाई हमको देनी है, और घर में आ रही 220 वोल्ट एसी सप्लाई। तो मैंने कहा यार फिजिक्स पढ़ाते हैं इतना और इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो एक मैंने डायोड मंगा लिया नीरज सर, मैंने कहा आते हुए 1 रुपये डायोड लेते आइएगा, अभी मैंने चेक किया नहीं चल रहा था, हमने तोड़ फोड़ डाला ये सब। सर उसने 4 रुपये लिए हैं, 4 रुपये 1 रुपये का आता है, मतलब जा कुछ नहीं कुछ तो कमा ही लेते हैं आते जाते। तो ये 1 रुपये मिल जाएगा, थोक भाव में ढन्नी का ही मिलेगा। तो ये डायोड है मेरे पास, इस डायोड को हम क्या करेंगे कि एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करेंगे। आप लोग के लास्ट चैप्टर में ये है टॉपिक, पढ़ेंगे हम लोग वहां पे, ठीक है? लेकिन पढ़ने के बाद पहले प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो ये डायोड इसमें सिंपली हमें जोड़ना है इसके सर्किट में, बस इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ देना है, और श्रेणी क्रम में एक डायोड आप जोड़ दो अपने आप वो हाफ रेक्टिफायर बन जाता है ना। ये जोड़ दिया मैंने, इसका दूसरा तार कहाँ है, ये है, ठीक है? अब कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद मैं इसमें जोड़ देता हूँ प्लग, बस काम खत्म, ठीक है? और आप लोग सोच रहे हो पता नहीं सही था भी नहीं था, सर झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, मान लो मैं झूठ भी बोल रहा हूँ, सही झालर था, खराब नहीं हुआ था, लेकिन तुमको एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। देखो ये, अब ये जो डायोड है वो आया, इतना कौन पार्टी खराब करेगा, ये जो डायोड है अब ये एसी को बदल देगा डीसी में, और डीसी से हमारा जला, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि जल जाना चाहिए, मैं एक बार जला के चेक करता हूँ भाई कि करंट नहीं लगाना है ना, जल जा सिम सिम, जल गया बस सर, क्या हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली आप सभी को। देखा सब कुछ फेल होता है, फिजिक्स फेल नहीं होती है, ठीक है? 1 रुपया में झालर बन गया, अभी 100 रुपये सर दे करके आते, अगर मुझको फोन ना लगाए होते तो। बाय, वो आप ही देते। बाय बाय।